आज आपके सामने हम एक चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न लेकर आए हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। 20,000 रुपये का एक धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। कितना? 20,000 रुपया और 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष के लिए उधार लिया गया। मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात करना है जबकि ब्याज वार्षिक देय है। वार्षिक का मतलब सालाना, एक साल में देय है, ठीक है। तो आपका यहां पर मूलधन कितना हुआ? मूलधन ये बराबर 20,000 रुपया, ठीक। दर कितना हुआ? 4% हुआ। और समय आपका कितना हुआ भैया? 2 वर्ष। आपको ज्ञात क्या करना है? मिश्र धन ज्ञात करना है। मिश्र धन आपको ये ज्ञात करना है, ठीक। मूलधन आपका हो गया 20,000 रुपया, दर आपका हो गया 4%, समय आपका 2 वर्ष और मिश्र धन आपको ज्ञात करना है। देखिए कैसे ज्ञात किया जाता है, बहुत आसान तरीका है। सूत्र एक है चक्रवृद्धि ब्याज में, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे कोष्ठक में एक धन दर बटा 100 के घाते सम, ठीक। ये आपका सूत्र है, मिश्र धन बराबर मूलधन गुणे एक धन दर बटा 100 क्वेश्चन में सिवा का समय कर दिया गया। अब आपको ये मिश्र धन आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो मिश्र धन बराबर आपका मूलधन कितना भैया? 20,000 रुपया। 20,000 लिख देते हैं, ठीक। गुणे का चिन्ह लगा लेंगे, एक तो सूत्र के द्वारा है तो एक हम इसको लिखेंगे ही। दर आपका कितना है? 4%। कितना है? 4। और ये 100 आ गया आपके सूत्र के द्वारा। और समय आपका कितना दिया गया भैया? 2 वर्ष, ठीक। इसी को हम सरल कर लेंगे तो हमारा मिश्र धन आ जाएगा, बहुत आसान है। देखिए पहले जो कोष्टक में दिया गया है पहले इसी को सरल करते हैं, हल करते हैं। तो मिश्र धन बराबर 20,000 गुणे, अब यहां पर देखिए ये भिन्न आता है, तो 100 करने 100 और 100 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104 बटा 100 पर 2 घात कर लेंगे क्योंकि सूत्र में समय दिया गया और समय आपका कितना है? 2 वर्ष। अब इसी को हम फिर सरल कर लेते हैं तो मिश्र धन बराबर 20,000 गुणे 104 बटा 100 गुणे 104 बटा 100। जितनी घात रहेगा उतनी बार हम गुणा कर देंगे, ठीक। उतनी बार गुणा करेंगे तो फिर हमारा घात के समान हो जाएगा। 200 इसका कट गया, 200 इसका कट गया, 200 इसका कट गया, 200 इसका कट गया, ठीक है। अब ये हो गया 2 गुणे 104 गुणे 104। इसी को जब हम सरल कर लेंगे तो जो हमारा उत्तर होगा वो आसानी से आ जाएगा। इसको जब हम गुणा करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 21,632। कितना आ जाएगा? 21,632 रुपया, ठीक है। यही हमारा आपका क्या हो गया? मिश्र धन हो गया। क्या हो गया? मिश्र धन हो गया, यानी कि जो हमारा मिश्र धन ज्ञात करना था वो मिश्र धन हमारा कितना हुआ? 21,632 रुपया। ओके।